फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड पॉइंट। फ्रेंड्स, गाइड पॉइंट की तरफ से सबको हैप्पी होली। शाम का समय है और हम अपनी टेरेस पे हैं और देख सकते हैं कि आज हमारी पतंग उड़ रही है और चारों तरफ काफ़ी पतंगबाजी हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने ये नीले रंग की अद्धी पतंग को छोड़ा हुआ है जो कि मैं पार कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बैटल हो सकती है आज, क्योंकि आज ओपोनेंट्स काफ़ी सारे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो बनाने की और इन सबकी पतंग को काटने की। तो पहले इस पतंग को हम पार कर लेते हैं। पतंग बहुत ही अच्छी है, पतंग है बरेली की, अद्धी पतंग है ये, नीले रंग की और सफ़ेद पत्ते में। और मांझा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आज, फिर से मैं गुलाम साबिर ही यूज़ कर रहा हूँ। मांझा मैं आज फिर से गुलाम साबिर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहुँचते हैं अपने ओपोनेंट के पास में और बनाते हैं एक एंटरटेनमेंट वीडियो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो ओपोनेंट आपस में पेज लड़ा रहे हैं और एक पतंग कट चुकी है। तो चलिए, अब इस ओपोनेंट से अब हमारी बारी है पेज लड़ाने की। देखेंगे हमारी पतंग कटेगी या हम काट देंगे। हमने ओपोनेंट के बिल्कुल बराबर कर ली है पतंग। तो चलिए, आपके लिए एक पेज की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने रुख दिखा दिया है ओपोनेंट को। अब देखते हैं ओपोनेंट क्या करते हैं, वो किस तरफ से आएंगे। पतंग चलने में बहुत ही अच्छी पतंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा कहना मान रही है। तो फ्रेंड्स, हम रुख दे रहे हैं पतंग पेच में, नीचे से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपोनेंट की पतंग ऊपर है और हमारी पतंग नीचे है। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमने ओपोनेंट की पतंग को काट दिया है थपकी पे। वो हमारे पे टेपर गद्दा मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी पतंग को स्टेबल रखा और सिर्फ एक थपकी दी है। थपकी देते ही उनकी पतंग हवा में लहरा गई है। आप देख सकते हैं वो पतंग कट के जा रही है। तो फ्रेंड, इससे पहले भी पर हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल सूरज चढ़ा हुआ था। चौथे नंबर पर हमारी पतंग कटी थी, हमने सेकेंड पतंग उड़ाई है और इससे भी हमने पहला पेच काट दिया है। तो हम सक्सेस हो गए हैं पहला पेच काटने में। तो फ्रेंड, आपको कैसे लगे, आपको ये पेज देखकर कैसा लगा जो हमने थपकी पे काटा है, तो बता दीजिएगा आप मेरे को। और सेकंड ओपोनेंट भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पेज। ओपोनेंट भी पार कर रहे हैं और हमारी पतंग भी थोड़ा सा पार करनी पड़ेगी हमारे को। और ये पेज अप्रॉक्स 350 से 400 गज के हैं, क्योंकि कमेंट में बार बार मेरे को व्यूअर्स पूछते हैं कि ये भी बताया करिए कि पेज कितनी दूर पे लड़ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये पेज चल रहा है 350 गज के आसपास, 300 से 350 गज के आसपास ये पेज चल रहा है। छतों के पेज इससे ज़्यादा करने में दिक्कत होती है। ग्राउंड से तो बहुत लंबे पेज चलते हैं, 1000 मीटर तक के, 1000 से भी प्लस चले जाते हैं, पर यह छत की टेरेस के पेज हैं ये। तो फ्रेंड्स, अब दोनों पतंगें आमने सामने हैं, देखते हैं पतंग अगर ओपोनेंट फेरेंगे तो हम किस तरफ का वो हमें रुक देंगे और हम किस तरफ से आएंगे उनकी तरफ। तो चलिए दोस्तों, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए बहुत एक अच्छा पेच दिखाएं। और इसी बीच में हमारे पास में एक दूसरा ओपोनेंट भी पतंग छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे आगे से पतंग उड़ रही है और जो पार हो रही है। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाले ओपोनेंट भी हमारी तरफ अब आ गए हैं, वो नीचे का पेच आ रहे हैं लग रहा है। तो चलिए, एक बैटल हो जाए। हालांकि ये सारे ही प्लेयर्स हैं, ये सारे ही अच्छी पतंग लड़ाने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पर ये लोग पतंग उड़ाते हैं और आपस में भी बैटल करते रहते हैं। कभी हम नहीं भी उड़ाते हैं तो भी ये लोग आपस में बैटल करते रहते हैं। तो दोस्तों, हम फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं उनकी तरफ फेरने का पेच को, पर लग रहा है ओपोनेंट अभी तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ओपोनेंट काफ़ी सारी पतंगें अपनी नीचे से कटवा चुके हैं हमसे,
हमने जब भी उनको नीचे का रुक दिया है तो अब वो फिराक में है कि वो खुद नीचे से पेज लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उन्हें पूरा मौका देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पेज था और इस पेज के अंदर हमने ओपोनेंट की बिना हरकत करे ही, जैसे ही वो हमारे नीचे था, हमने उस पर खड़ा गद्दा मार दिया। हमारे नीचे से आ रहा, हमने जल्दबाजी की थी जिससे हमारा ये पेज कट गया था और ओपोनेंट हमसे इक्वल हो गया था इस पतंग से। फिर वही गलती है। तो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट पतंग कट गई थी और आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से एक फिर वही नीली अद्धी छोड़ रहा हूँ और सर्दी से इसको चेक कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खड़ी डोर पे पहले जल्दी से गद्दा मार दिया। मैं उनको पट रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा हाथ ज़्यादा तेज होने की वजह से वो जल्दी से पट लग गया था। खड़ी डोर पर हमें कभी भी गद्दा नहीं मारना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए दूसरे के खींचने का। तो चलिए, जो गलती हमसे हुई उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पतंग को हम एक बारी चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बारी हम इस पतंग को चेक करके फिर सीधा ही मांझे से छोड़ेंगे और पार करेंगे। कोशिश करेंगे अब की बार हम ओपोनेंट की पतंग को काट दें। पतंग बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल हमारे कहने में। चलिए इसको हम मांझे से छोड़ दें। चलिए दोस्तों, अगले ओपोनेंट की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उनकी पतंग स्टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक पेच में एक जानकारी मैं आपको एक दे देता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई पागल पतंग कहते हैं इस पतंग को कि जो नाचती रहती है, जो स्टेबल नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कभी भी ऐसी पतंग से या तो पेच ना लड़ाएं, और अगर आप कभी पेच लड़ाते भी हैं तो हमेशा खुद नीचे से पतंग को लें, कभी भी उनको नीचे से लेने नहीं दें, क्योंकि ऐसी पतंग कभी भी किसी भी तरह मूव कर सकती है और गद्दा इस पर कामयाब नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं कि हम नीचे से चलते हैं। आप बने रहिए, पेचों को देखते रहिए कि आगे होता है क्या। मैं कोशिश करूंगा इस ओपोनेंट की पतंग को काटने का भी। इनसे पेज लड़ाने के लिए बिल्कुल हमें बगैर हवा में जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हवा किधर चल रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस पतंग को काटने में भी कामयाब रहे हैं। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, कभी भी कोई खराब पतंग को कभी भी ऊपर से गद्दा मारने की कोशिश मत करना, हमेशा ही अपनी पतंग को नीचे रखना। अगर सामने वाले की पतंग स्टेबल नहीं है और मूवमेंट में है तो कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा कि हमें अपना पेज नीचे से लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पतंग से भी हमने दो पतंगों को काट दिया है, तो आज का हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। और हम अगले ओपोनेंट की तैयारी में हैं कि ओपोनेंट पतंग छोड़ें, और ओपोनेंट ने पतंग छोड़ भी दिया। ओपोनेंट भी बड़े जुझारू हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने पतंग छोड़ दी है, एक अद्धी पतंग उन्होंने फिर से छोड़ दी है। इनसे हमारा स्कोर 1-4 है, 4 पतंगें हमने काट दी हैं और 1 पतंग उन्होंने काटी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट हमारे को फिर रुक दे रहे हैं, अब वो नीचे से फिर दोबारा से आना चाहते हैं। तो चलिए फिर उनकी कोशिश को नाकाम कर देते हैं।
कोशिश में है, काफ़ी घात लगा के बैठे हैं वो, क्योंकि इतना नुकसान उनका हो चुका है, चार पतंगे वो हमसे कटवा चुके हैं, तो कोशिश में है कि फ्रेंड्स फिर से हमने उनका काट दिया है पेज, देख सकते हैं आप। अब मैंने खड़ा गद्दा मारा उनके पर और पांचवा पतंग भी उनका हमने काट दिया है। तो फ्रेंड्स आज का दिन शायद वो याद रखेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने हमारी भी तीन चार पतंगें इकट्ठी काट दी थी, तो हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं किसी का कर्ज़ अपने ऊपर रहने नहीं देता, आज हमने उनका कर्ज उतार दिया है। तो काफ़ी दिनों से वो हमें कह रहे थे कि मुझे आपसे पतंग लड़ानी है, मुझे आपसे पतंग लड़ानी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने आप उनके उनकी आज हमने छः पतंगें काट दी हैं और हमारी एक पतंग उनके कट गई है। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, और पतंग काटने की ट्रिक्स भी मैं इस वीडियो में जो मैंने पतंग जिस भी तरीके से काटी है मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो ट्रिक्स भी बताऊँ, ताकि आपको पतंग लड़ाने में आने वाले सीज़न में, दिल्ली का जो सीज़न आने वाला है कमिंग सीज़न, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिले इस चीज़ का। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं, क्योंकि इसके बाद अंधेरा होने वाला है और हमारे पास में इतना समय भी नहीं है, अब हमें भी घर चलना चाहिए, हम भी थोड़े थके हुए हैं होली खेलने के बाद में, ये शाम को हमने पतंगबाजी करी आपके लिए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आपने मेरे को अभी तक सपोर्ट किया, आगे भी इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। आने वाले वीडियोज़ कमिंग वीडियोज़ अब हमारे दिल्ली के होंगे और बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव और ट्रिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, कुछ अच्छी कलेक्शंस भी दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।